अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से इनकार के बाद एशिया कप को कैंसिल करने की जनाब धमकी मिल चुकी है और पाकिस्तान से मेजबानी भी छीनी जाएगी। तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आखिर नया फड्डा अब क्या क्रिएट हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, एशिया कप और वर्ल्ड कप का सीजन है, लेकिन दोनों के अंदर इस वक्त खलल पैदा हो चुका है कि पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। ये सबको पता है, पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप हो सकता है, लेकिन फीका फीका वर्ल्ड कप हो सकता है, लेकिन एशिया कप पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता। वजह यह है कि भाई एशिया कप चलता ही पाकिस्तान और भारत के मैच से है। अब एशिया कप को कैंसिल किस तरीके से किया जाएगा, यानी कि जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई थी कि भाई एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में दे रहे हो, तो यानी कि हाइब्रिड मॉडल को छोड़ो, पूरा टूर्नामेंट हमको दो पाकिस्तान के अंदर करवाना, जब मेजबान पाकिस्तान है तो सारे मैचेस पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। इससे पहले एसीसी ने जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की थी कि जब जक्का अशरफ आए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे तो ये हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं है। उसके बाद फिर एहसान मजारी साहब ने कल कह दिया कि मुझे भी ये जो हाइब्रिड मॉडल है मंजूर नहीं है, यानी कि मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। तो एक बार फिर एसीसी ने कहा कि पाकिस्तान दूसरी मरतबा वार कर रहा है, एसीसी और पीसीबी का जो एक साथ लिया गया डिसीजन है उसके ऊपर खलल पैदा कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और नए आने वाले पीसीबी चेयरमैन जक्का अशरफ। अब अगर बात बिगड़ती है तो एशिया कप पाकिस्तान के बगैर नहीं होगा, एशिया कप मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो जाएगा। ये नहीं है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होगा, एशिया कप को कैंसिल कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं जो एशिया कप का शेड्यूल है वो इसी वजह से जनाब डिले हो चुका है, क्योंकि कोई फैसला सीधा पहले वाला होता नहीं है, दूसरा फिर कोई ना कोई अंदर मतलब टांग घुसा देता। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन इस वक्त बन चुका है। लेकिन जो उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं कि एशिया कप अपने टाइम के ऊपर होगा, वर्ल्ड कप तो ऑल्सो अपने टाइम के ऊपर होगा, लेकिन हम भी चाहते हैं कि भाई जो हो गया अब उसी के तहत चलना चाहिए। लेकिन हम एहसान मजारी साहब को या जक्का अशरफ को कोस तो नहीं सकते हैं यार, अगर आप मेरिट के ऊपर डिसीजन देखें तो उनका भी राइट तो बनता है कि यार अगर जो मेजबान अब इंडिया मेजबान है तो इंडिया कोई हाइब्रिड मॉडल में थोड़ा ही वर्ल्ड कप करवा रहा है, यार अगर पाकिस्तान एशिया कप का होस्ट है तो पाकिस्तान को यानी कि पूरा टूर्नामेंट देना चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब पाकिस्तान इंडिया में जा रहा है तो इंडिया को पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए। ये है सबसे बड़ी वजह, जो राइट है। लेकिन आपको पता है कि जहां पैसा ज्यादा चलता है काम भी वहां पर ज्यादा चलता है, जो कि रियलिटी है, शायद इसको आप झुठला नहीं पाएंगे। बहरहाल जनाब, एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए मुश्किलात तो हैं, हकीकत यह है कि फिलहाल जो मसला है वो सारा लटका हुआ है, लेकिन लेट्स सी देखते हैं एंड ऑफ द डे क्या डिसीजन आता है। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल